नेताजी पर सुर्खियां बटोरने का इतना भूत सवार हो गया कि उन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए टमाटर की दुकान में अपनी सुरक्षा में बाउंसर ही लगा दिए और फिर अपनी इस हरकत को बड़े ही शौक से सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये नेताजी सुर्खियां बटोरने में तो कामयाब हुए, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इनकी इस हरकत के लिए इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिसके बाद सपा नेता तो हो गए फरार, लेकिन सब्जी विक्रेता और उनके बेटे दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला वाराणसी में एक सब्जी की दुकान पर टमाटर के लिए बाउंसर लगाने वाले सपा नेता अजय यादव उर्फ अजय फौजी का है, जिन्होंने टमाटर के लिए बाउंसर लगाने का वीडियो रविवार दोपहर बाद वायरल किया, जिसके बाद नगर निगम व पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया। सपा नेता ने 500 रुपए के टमाटर खरीदवाए, फिर दुकानदार को हटाकर खुद बैठ गए। मामला साफ हुआ तो लंका थाने की पुलिस ने वास्तविक दुकानदार व उनके पिता को हिरासत में ले लिया। सपा नेता की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक सपा नेता योजनाबद्ध तरीके से दुकान पर गए, दुकानदार को पैसे दिए और दूसरी दुकान से टमाटर मंगवा कर बेचने लगे। हिरासत में लिए गए सब्जी विक्रेता ने सच बता दिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, जल्दी अजय फौजी को भी पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ मामले को लेकर देर रात तक लंका थाने में हंगामा चलता रहा। जिला अध्यक्ष सहित तमाम सपा नेता थाने पहुंच गए, हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद नेता वापस चले गए। दरअसल टमाटर बेचने के वीडियो को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। अखिलेश ने लिखा था कि भाजपा टमाटर को Z+ सुरक्षा दे।